27 जून से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सुझावों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम अशोक गहलोत सरकार के पहले बजट को लेकर काफी गंभीर नजर आई। बजट से पहले सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं, वहीं सीएमओ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम गहलोत ने एडवाइज कमेटी की बैठक ली और इस दौरान बैठक में उद्योग और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिखित में अपने सुझाव सौंपे। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि एमएसएमआई नई उद्योग नीति रिको सहित कई मसलों पर औद्योगिक संगठनों के अच्छे सुझाव आए हैं और सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार भी करेगी। मीणा ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में जो कमियां रही हैं उनको ठीक किया जाएगा और इसी दौरान बैठक में मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री प्रसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका और साथ ही कई विभाग के अधिकारी गण भी मौजूद रहे। सभी की बात सुनी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हमने भी बजट से पूर्व की जो मीटिंग थी उसमें उनके सुझाव आए, अच्छे सुझाव आए और प्रगतिशील राजस्थान के लिए उन सुझावों को निश्चित रूप से सरकार उन पर गौर करेगी और जो भी उनमें से हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा वैसे उन पर गौर करें। मोटे तौर पर किस तरह के सुझाव आए थे? इंडस्ट्रीज पॉलिसी के आए, एमएसएमई एक्ट के आए, रिको के आए, टैक्सेशन के आए, जहाँ कहीं मंडी टैक्स के आए, कई तरह की शिकायतें उनकी थी जो काम नहीं हो रहा है, जो पिछली सरकार के टाइम जो लापरवाही रही उसको भी सुधारने के सुझाव आए, उन पर सब पर सरकार गौर कर। कर सलाहकार समिति की मीटिंग हुई जो प्रतिवर्ष होती है बजट के पूर्व, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जो वित्त मंत्री के रूप में भी राजस्थान के हैं, उन्होंने काफ़ी धैर्यपूर्वक पेशेंस से करीब 55 से 60 जनों के सुझाव लिए, पूरे राजस्थान सुझाव आए। उसमें मुख्य रूप से सुझाव एक तो ई वे बिल का, जो 5 राज्य में 50,000 रुपया से बढ़ के 1,00,000 रुपये की आज लिमिट हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। राजस्थान गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया इस 50,000 की लिमिट को 1,00,000 रुपया ई वे बिल की कर दिया जाए, जिससे राजस्थान के छोटे उद्योग हैं वो उनको काफ़ी सहूलियत होगी। GST के अंदर राज्य सरकार को सबसे मिलकर जितने GST के सजेशन आए हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एम्पावर्ड कमेटी में स्टेट के हक में क्या बढ़िया है वो करना चाहिए, खास करके रियलिटी सेक्टर जैसे पिछड़ा हुआ है, सीमेंट का प्रश्न है, सीमेंट कल भी एम्पावर्ड कमेटी से टल गया, उसी तरह से छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं और ज़्यादातर जहाँ तक हो GST के रेट 2 होनी चाहिए, 5% या 15-16% जो भी इनको करना हो उससे।